आज मैंने आप लोगों को ये वीडियो इसलिए बनानी है कि जो जो ग्राफिक डिजाइनिंग या जो जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं ना, तो उनके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी थी, क्योंकि जब हमने सर्च किया था तो हमें वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिली थी, ठीक है। और अभी मैंने मतलब कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, क्या होता है, कैसे होता है सब कुछ, क्या पेपर्स होते हैं, क्या उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, या क्या क्या इंटरव्यू में जो भी होता है या एग्जाम में जो भी होता है ग्राफिक डिजाइनिंग की, वो क्या क्या होता है, क्योंकि दानी ने दी है, तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि दानी ने सर्च किया था। मतलब ऑब्वियसली जिसको नहीं पता या जिसका कोई कजन या रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड वगैरह नहीं है इस चीज में, उनको नहीं पता होता अक्सर, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों के लिए जरूर बनानी चाहिए। तो बस मैं दानिया को बुलाती हूँ और उससे हम क्वेश्चंस पूछते हैं। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो कि यार इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में, वो आप कमेंट में कर दो, या कोई भी हो रहा होगा हमें डीएम कर दें, वी विल हेल्प यू, ओके। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपसे उससे पूछते हैं कि क्या हुआ था वहां पे, क्या पूछा था इंटरव्यू में, क्या क्या स्केचिंग हुई थी, क्या पोर्टफोलियो लेके जाना होता है, सारा कुछ उससे पूछते हैं। ऑलराइट, ऐसा लग रहा है मुझे आपने इंजीनियर बिठाया कि भाई अब आप, हाँ तो आपने सबको अपना बताना है ना कि आपने क्या इंटरव्यू दिया क्या नहीं दिया। अच्छा, तो ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, बस हम जो इन्फॉर्मेशन है ना वही वाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो हर टाइम। मैंने अपने एडमिशन और अपने जितने भी यूनिवर्सिटीज में मैंने अप्लाई किया था उससे पहले मैंने बहुत सारा यूट्यूब पे सर्च किया कि किस तरह होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, जो भी सब कुछ था, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर उधर नहीं था ना, उधर अवेलेबल ही नहीं, अवेलेबल नहीं था, बहुत कम अवेलेबल था, जो मतलब काम नहीं आया। अच्छा, मुझे बताओ कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आप ये क्या। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या पूछा था, पूरा प्रोसेस बताओ ना कि अच्छा आप जब उधर गए तो फिर क्या हुआ। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई इन ग्राफिक डिजाइनिंग यूनिवर्सिटी के लिए। सबसे पहले ना बीएस ग्राफिक डिजाइनिंग है, और बीएस टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, बीएस फैशन डिजाइनिंग है, और बीएस फाइन आर्ट्स है, जिसको बीएफए भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने अप्लाई करना है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि डेट्स कौन सी हैं, एप्लीकेशन किस टाइम पे जा रही है फॉर यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी। प्राइवेट के लिए वैसे होता है कि प्राइवेट में ज़्यादा टाइम होता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू अच्छी होती है, उनका स्कोप अच्छा होता है, कि हम अगर उनको प्राइवेट से कंपेयर करें। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसके बाद आपने सबसे पहले इंटरनेट पे, सफारी पे, गूगल पे, कहीं पे खोलना है, अपने जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो सर्च करना है, उसके बाद वहाँ पे लिख देना है अप्लाई। उसके बाद वो आपको ना फॉर्म, अगर एडमिशन्स खुले होंगे आपको फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है अप्लाई करना, ठीक है। अप्लाई किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना हो, आप अप्लाई करोगे। उसके बाद आपके जब आप कुछ, आपको डेट पता उस दिन लिखी भी होगी कि किस दिन आपका पता चल जाएगा कि भाई आपका नाम आ गया है या नहीं आया टेस्ट के लिए, जिस भी आप टेस्ट फाइन आर्ट्स का दे रहे हो ना, आपको देना एक ही टेस्ट पड़ेगा सारे तीन चारों पांचों सब्जेक्ट्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए। आप उसके बाद वहां जाओगे उस डेट को जिस दिन पेपर टेस्ट होगा, आपको वहां पर रोल नंबर बताएंगे। उसके बाद आप कुछ देर वेट करोगे, फिर आपका होगा स्केचिंग का टेस्ट, ठीक है। उसमें वो आपसे कुछ भी बनवा सकते हैं। आपने कितनी देर वेट किया था? यार मैंने किया था कोई 4-5 घंटे तो वेट किया था। एक घंटा वेट किया था मैंने टेस्ट के लिए, एक घंटा वेट किया। उसके बाद वहां पर उन्होंने बुलाया, सारा सेटअप वगैरह किया हुआ था। उसके बाद ना सारा वो आपको खुद देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, पेपर प्रोवाइड करेंगे आपको, पेंसिल, इरेजर, सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका मैथ्स और ये का टेस्ट नहीं होता, मुझे सबने यही कहा था कि मैथ्स का टेस्ट होता है, जनरल नॉलेज का होता है, एवरीडे साइंस का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन प्रोग्राम्स के अंदर ना आपका होता है स्केचिंग का टेस्ट और इंग्लिश का टेस्ट। इंग्लिश का टेस्ट 20 मार्क्स का होता है, उसमें कुछ भी आपको मतलब वो दे देते हैं, कॉम्प्रिहेंशन दे देते हैं और ना कुछ सेंटेंसेस दे देते हैं जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सारी चीजें होती हैं, या वर्ब नाउन्स ये होते हैं। उसके बाद आपका स्केचिंग टेस्ट हो जाता है, फिर आपका इंग्लिश का टेस्ट हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश का टेस्ट हो जाए फिर आपको वो थोड़ी देर देते हैं, वो देखते हैं कि भाई किसका ड्राइंग आपको अच्छी लगी है, किसकी नहीं लगी, फिर वो नंबर्स बनाते हैं, फिर वो आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। ये होता है हमारा लास्ट स्टेप होता है, मतलब आपके बिहाफ पे इंटरव्यू होता है। फिर इंटरव्यू में वो आपसे मतलब आपके बेसिक आपके क्वेश्चंस पूछेंगे, आपके बारे में पूछेंगे, आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछेंगे, और फिर वो आपसे मांगते हैं बना इंटरव्यू पोर्टफोलियो। आपका होना चाहिए पोर्टफोलियो, अगर आपने मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग या डिजाइनिंग में करना है तो मेरा तो पोर्टफोलियो ये था मेरा पोर्टफोलियो में, ये था ठीक है, मेरी ये स्केचिंग थी, ठीक है,
ये मेरी स्केचिंग थी, ये था, ये था, मैंने मतलब ये तो बहुत पुराना था, 2018 का था, मैंने इसलिए रख लिया था कि अगर उनको स्केचिंग का भी देखना होगा ना, वैसे तो इतनी गंदी स्केचिंग है, तो मैंने स्केचिंग के लिए भी अलग से कुछ रखे थे अपने। इस पर चाय गिर गई थी तो वो मैम बेचारी देखी थी कि ये क्या है। ये देखो ये ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है, ये पेंटिंग में आता है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है, ये भी ग्राफिक डिजाइनिंग में आता है, फ्लैश जो बनाया वो भी, और सबसे मेन जो है ना ये है मेरा। आपने ऐसा पोर्टफोलियो अपना क्या रखना है, ठीक है, मतलब जिस जो आपको हेल्प करेगा। मुझे ये वाली पेंटिंग सबसे अच्छी लगती है अपनी। अच्छा खैर, ऐसे उन्होंने मुझे मतलब पोर्टफोलियो देख लिया, उसके बाद उन्होंने मतलब आपसे पूछा है, आपको थोड़ा डराएंगे भी सही, मुझे भी डराया था, आप थोड़ा सा तंजिया बात करेंगे, थोड़ा बदतमीजी से कभी कभी बात कर देते, बदतमीजी एज इन थोड़ा हार्ड होके हार्श होके बात कर लेते, तो आपने उसमें डरना नहीं है। मेरे तो हाथ कांप रहे थे लेकिन मतलब मैंने बिल्कुल सही कॉन्फिडेंट होके जवाब दिए। ये होता है आपका प्रोसेस। उसके बाद इंटरव्यू के बाद वो कहते हैं चलो ठीक है, अगर आप उनके एंड उनको आपको वहीं बैठे बैठे ऑफिस में पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद आपको एक दो दिन बाद ना मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है आपका एडमिशन हो गया या नहीं। ये बात तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया या नहीं आया? मेरा कल आ जाएगा, वैसे मुझे मैम का पता है कि वो दे देंगी, क्योंकि आपका अच्छा हुआ था ना इंटरव्यू, काफी अच्छा हुआ था ना। मम्मा को बुलाया, उन्होंने सिर्फ मेरी मम्मा को बुलाया था, उन्होंने कहा कि ये कोई अजाब नाजिल हुआ है। उन्होंने मम्मा को बुलाया था कि मतलब उन्होंने कोई बात करनी थी तो बस यही सब कुछ चाहिए होता है, फैमिली के बारे में बात करनी थी, तो फिर उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि मतलब एडमिशन तो हो जाएगा, उसके बारे में आप परेशान ना हो। बेस्ट, तो यही सब कुछ है। अगर आपके आपके मार्क्स अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे नहीं भी है ना, तब भी आप अगर स्केचिंग का टेस्ट अच्छा देते तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आप ज्यादातर ना ग्राफिक डिजाइनिंग में जाओ, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में जाओ या फैशन डिजाइनिंग में जाओ, ये तीनों का फिर भी स्कोप है। फाइन आर्ट्स का स्कोप है, लेकिन फाइन आर्ट्स के साथ ये है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते बहुत ज्यादा तो फाइन आर्ट्स में चले जाओ, अगर बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है आपने, बहुत ज्यादा कोई हार्ड काम नहीं करना, फाइन आर्ट्स में चले जाओ, उसके साथ आप कोर्सेज कर सकते हो अपने, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरी प्रेफरेंस जो थी वो ग्राफिक डिजाइनिंग थी, इसलिए मैंने ये किया। ओके गाइस, हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके कैसे शरीफ लगने लग जाता है इंसान। अच्छा मेरा ये है कि हाँ, और एक बात और कि आप लोग ना काफी सारी यूनिवर्सिटीज में जो जो आपके मतलब दिमाग में आ रही है ना कि इधर जा सकते हैं, मतलब जहाँ पे आपको पता है कि आप जा सकते हैं, जैसे NCAP, FDNS, हर जगह होता है। हाँ, आप किसी छोटी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो, अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में, लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में ले सकते हो। अच्छा ये हो गया। अब आप लोगों को आई होप कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्पफुल लगी हो। ओके हेल्पफुल लगी हो और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ हो कि क्या करना है, क्योंकि हमें तो जीरो आइडिया था, ठीक है। हम कॉल कर करके थक गए, मैंने कहा कि एक वीडियो बना देती हूँ आप लोगों के लिए, हेल्पफुल होगी। और यही वीडियो अब एंड करते हैं, आप ले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक घड़ा बनवाया था, ये बात याद रखना कि आपको लाइव स्केचिंग करवाते हैं, घड़ा मीन्स पोट्री का कुछ होता है, वो बाज वो आपके सामने कुछ भी रख देंगे, टेबल रख देंगे, फ्रूट बास्केट रख देंगे, इस तरह घड़ा रख देंगे, बास्केट रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं, इस तरह आसान सा कुछ रख देते हैं, बस ये आपने बनाना होता है, बस नॉर्मल आपको वो देख लेते हैं कि भाई शुरू शुरू में कैसा कैसा है इसका, ठीक है। बस बस ठीक है बस, तो आपको आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।